आदम नूह इब्राहिम शीफ तो उनकी उम्मत की औकात लेकर बैठे रहेंगे। वो खड़े हो गए। अच्छा जब नबी खड़े होंगे तो अली है ना, और जब बाप खड़ा हो जाएगा तो बेटे, जब हसन हुसैन खड़े हो जाएंगे तो बतिया है ना, जिनके एहतराम में पूरी खुदाई खड़ी आती है। आगे पीछे कुछ फरिश्ते उठाए हुए लेके आएंगे कहां, जन्नत के दरवाजे में। जन्नत के दरवाजे पर पहुंचने की शहजादी रुक जाए, अल्लाह की आवाज आएगी, या बिंत हबीबी माँ की इत्तेफाक के, ये मेरे हबीब की बेटी क्या बात है, क्यों रुक गई है, मैंने आपके लिए जन्नत का ऑर्डर कर दिया है, तशरीफ ले जाइए। शहजादी फरमाएंगे खुदा आज मैं अपनी हैसियत देखना चाहता हूँ। इसलिए पढ़ते होंगे ना, जिनकी कब्र भी मख्फी है, जिनकी कद्र मंजिलत भी मख्फी है, तो कहते कहा गया है, अब तो जाहिर हो, तो मैं आज अपनी हैसियत देखना चाहती हूँ। आवाज कुदरत आएगी तो कह रहे चाहिए वापस, खुद चेक कीजिए जिसके दिल में थी आपकी या आपकी औलाद की मोहब्बत। औलाद का मतलब अब्बास साहब, हाँ हसन हुसैन नहीं, औलाद का मतलब आज का भी जो सही है जिसकी रंग में फातिमा का खून है, समझ गए, उससे मोहब्बत आपको बख्शवा सकता। लिहाजा दुनिया एक हो या ना हो, हम तो बच्चे के आपके भी पता चल रहे, तो हम तो बच्चे के साथ आप से प्यार करते, आप अपने सभी भाई से लड़े पड़े।